हेलो फ्रेंड्स, इंधन घर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी मनोविज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ऐसा चैप्टर जो यूजीसी पेपर फर्स्ट, नेट, सीटेट, एचटेट और केवीएस में आपका आता है। हमारे टॉपिक का नाम है एनसीएफ 2005। देखिए, एनसीएफ क्या है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि बच्चों को जो सिलेबस प्रोवाइड कराया जाता है हमारी सरकार की तरफ से, कि स्कूलों में बच्चों को क्या टीच करना है, उसको कैसे फ्रेम किया जाए, कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, तो जो एनसीएफ है वो हमारी जो शिक्षा है, आजकल जो बच्चे पढ़ते हैं, जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है, उसमें जो सिलेबस को ड्राफ्ट किया जाता है वो एनसीएफ 2005 के बेस पर बनाया गया है। तो देखिए, जो एनसीएफ है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ये आपका एनसीईआरटी के अंडर में आता है, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। और देखिए, जो एनसीएफ है इसका अगर मेन मोटिव की बात करते हैं, तो एनसीएफ का मेन मोटिव क्या है? तो एनसीएफ का मेन मोटिव है लर्निंग विदाउट बर्डन, कि जो शिक्षा है वो बिना बोझ के होनी चाहिए। कैसे? जैसे देखिए, आजकल हमारी जो गवर्नमेंट है, हम जो सैटरडे जो है, इस दिन बच्चों को बैग लेके स्कूल जाना नहीं होता। स्पेशली हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं, तो जो सैटरडे को नो बैग डे, तो वो क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन, कि बच्चे हैं वो खेल के माध्यम से सीखें। लर्निंग विदाउट बर्डन, कि ये जो व्यू है, कि ये जो विचारधारा है, ये 1975 में दी गई, लेकिन इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई 1993 में, जिसके लीडर थे यशपाल जी। यशपाल जी देखिए बहुत पुराने हैं, इसका जिक्र आपने जहाँ पर भी शिक्षा, उच्च शिक्षा की बातें होती हैं वहाँ पर इनका जिक्र आता है, कि एक यशपाल समिति बनाई गई थी उच्च शिक्षा से संबंधित। जो बच्चे यूजीसी फर्स्ट पेपर की प्रैप करते हैं, उन्होंने इस चीज़ को ज़रूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर भी देखिए, जो लर्निंग विदाउट बर्डन है, इस विचार को, कि शिक्षा बिना बोझ के, इस विचार को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको इस एक कमेटी का लीडर बनाया गया 1993 में। और जो ये एनसीएफ कमेटी थी, इसके अंदर जो मेंबर्स थे, दीज आर नंबर इन 38। आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो कमेटी थी, इसके अंदर जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी? 38। अब देखिए, हिंदी में इसको आप बोल सकते हैं कि एनसीएफ है, इसको दूसरा क्या नाम दिया जा सकता है? तो शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज इसको कहा जा सकता है। शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज एनसीएफ, कोई भी एक नाम आप इनमें से ले सकते हैं। नवीनतम दस्तावेज का मतलब क्या है? कि आज की जो ज़रूरतें हैं वो क्या हैं, कि बच्चे के लिए किस तरह की शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, सब्जेक्ट के अंदर कैसा मटेरियल होना चाहिए, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, वो सब जो चीज़ें हैं वो इसमें आपको बताई गई हैं, इसीलिए इसे शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज कहते हैं। देखिए, जो एनसीएफ है, नेशनल कैरिकुलम जो फ्रेमवर्क है, इसका बेस क्या है? तो देखिए, आपने जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उसके बारे में सभी ने पढ़ा होगा, सब जानते भी होंगे इनको। तो इन्होंने एक ऐसे लिखा था जिसका नाम था निबंध, आप हिंदी में बोल सकते हैं, या एक कॉमन वर्ड आप यूज़ करते हैं, प्रस्ताव, सभ्यता एवं प्रगति। इन्होंने एक ऐसे लिखा था, यहाँ से जो विचार हैं उन्हीं के आधार पर जो एनसीएफ है इसको निकाला गया है। तो जो एनसीएफ है इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम पढ़ चुके हैं एनसीएफ का उद्देश्य क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन विदाउट एजुकेशन, लर्निंग विदाउट बर्डन, कि जो हमारी जो शिक्षा है वो बिना बोझ के होनी चाहिए, कि बच्चों पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए कि हमें क्या कराया जा रहा है, हमसे नहीं होगा, कि ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा में क्या सिखाया जाए, कि जो एनसीएफ है वो ये डिसाइड करता है कि जो शिक्षा है उसमें बच्चों को क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएं। जैसे भाई, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने के लिए स्पोर्ट्स को मेंशन किया जाए, मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए किस तरह के टॉपिक्स को मेंशन किया जाए, क्लासरूम एनवायरनमेंट, कि जब एक बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो उसका जो वातावरण है वो किस तरह का होना चाहिए। एनसीएफ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो आपका डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के अंदर, जो एनसीएफ है वो उसके अंतर्गत आता है, और ये जो काम करता है वो एनसीईआरटी के तर्ज पर काम करता है। देखिए, जो एनसीएफ है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, इन्होंने अपने 5 सिद्धांत दिए हैं। सिद्धांत, प्रिंसिपल, यानी कि कौन सी चीज़ें हैं जिन पर आपको फोकस करना है,
और जो सुझाव हैं वो 20 हैं। सुझाव क्या होता है? सुझाव का मतलब है कि इन पर भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन जो प्रिंसिपल हैं कि इनको तो मानना ही होगा। तो जो NCF के जो मार्गदर्शक प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, उनकी संख्या 5 है। देखिए वो कौन से हैं? ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ना। ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ना मतलब कि ऐसा नहीं कि हमने बुक्स में मटेरियल छाप दिया, टीचर ने पढ़ा दिया, बच्चे ने क्रैम कर लिया और अच्छा नंबर ले लिया। नहीं, दैट इज़ नॉट एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या है कि जो आपके टॉपिक हैं वो टीचर ने पढ़ाए और उसको आपकी जो सोशल लाइफ है उससे इंटरेक्ट किया और फिर बच्चे को सिखाया। सेकंड है रट्टा प्रणाली को ख़त्म करना। रट्टा प्रणाली मीन्स कि जो बच्चे क्रैमिंग करते हैं और कुछ समय बाद उस चीज़ को भूल जाते हैं, तो ये जो चीज़ है इसको फिनिश करना भी काम है। व्यवहारवाद, व्यवहारवाद की जो विचारधारा है वो भी इसी पर जोर देती है। व्यवहारवाद का मतलब क्या है कि बच्चों को करके दिखाया जाए, बच्चों से करवा के देखा जाए, इससे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट है ज्ञान को पुस्तक से जोड़कर सर्व विकास पर बल दें। चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि हमारी जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड, कि टीचर को क्या आता है वो बच्चे को पढ़ाए। तो हमारा जो सिलेबस है वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, बच्चा क्या सीखना चाहता है। परीक्षाओं को लचीला बनाया जाए, मतलब ऐसा नहीं हो कि घिसा पिटा सा पैटर्न बना दिया कि इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने इतने नंबर के आएंगे, बस इसी तरीके से। लचीला का मतलब क्या है कि जैसा सिलेबस है, जैसी रिक्वायरमेंट है, उसी तरीके से हम उसको फॉर्मेट करें। जैसे कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, बच्चों का वाइवा भी होना चाहिए, बच्चों का रिटर्न टेस्ट भी होना चाहिए, स्पोर्ट्स को भी शामिल किया जाना चाहिए, मोरल जो एजुकेशन है उसको भी सम्मिलित किया जाए, इस तरीके से कि सभी चीज़ों को मिला करके डिसाइड किया जाए। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक मूल्य बच्चों की दिशा में शामिल होने चाहिए। प्रजातांत्रिक मूल्य कि डेमोक्रेटिक थॉट्स, कि बच्चों को डेवलपमेंट के लिए अपने विचार खुल के व्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए, चाहे स्कूल है, चाहे आपकी फैमिली है या आपकी सोसाइटी है, लेकिन वो सारी चीज़ें हैं वो आपकी सोसाइटी के फेवर में होना चाहिए। तो देखिए जो NCF है उसके 5 सुझाव हैं, ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ना, रट्टा प्रणाली को ख़त्म करना, ज्ञान को पुस्तक से जोड़ के बच्चे का पूरा विकास करना, परीक्षाओं को फ्लेक्सिबल बनाना, प्रजातांत्रिक मूल्य बच्चों की शिक्षा में शामिल हों। कुछ क्वेश्चन हैं जो इसी से रिलेटेड हो सकते हैं। NCF में शिक्षा की भूमिका शिक्षक की भूमिका कैसी है? सुविधादाता, आपको जो साइकोलॉजी में जो वर्ड मिलेगा वो ये मिलेगा, सुविधादाता या मार्गदर्शक, यानी कि सहायक। टीचर बच्चे की हेल्प करेगा, ना कि टीचर पर सभी कुछ डिपेंड होगा। तो जो टीचर है वो सुविधादाता की भूमिका निभाता है NCF के अंदर। जो भाषा है कि NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? उसमें 3 भाषाओं को मान्यता दी गई है। एक तो आपके मदर टंग, जो भी आपकी मदर टंग है, दूसरी आपकी हिंदी और तीसरी प्रायोरिटी आपकी हो जाएगी इंग्लिश। देखिए कुछ NCF जो सिलेबस है उसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उनमें किन किन चीज़ों को प्रायोरिटी दी गई है। तो NCF में जो मैथ है वो कैसा होना चाहिए? तार्किक ढंग से सिखाया जाए, अमूर्त तरीके से हो और आपके जो सोशल लाइफ है उसमें आप उसको यूज़ कर पाएँ। साइंस जो है उसमें क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चों से एक्सपेरिमेंट करवा के देखे जाए, ना कि उनको बताया जाए, और जो भी चीज़ें हैं वो उनकी फील्ड से जुड़ी हुई हों। और NCF और सोशल स्टडी है उसमें क्या होना चाहिए? कि बच्चे का जो व्यवहार है वो समाज के हिसाब से होना चाहिए। कैसे? कि बच्चे को पता हो कि यहाँ पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क और कैरिकुलर, कि NCF और जो पाठ्यक्रम है वो कैसा हो? चाइल्ड सेंटर्ड। हमने बताया कि टीचर है वो क्या है? सुविधादाता है, और बच्चे क्या है? उसका केंद्र बिंदु है। तो बच्चों को ध्यान में रख के चीज़ों को मेंटेन किया जाए। जैसे देखिए जो JP नायक हैं, उन्होंने NCF के लिए कहा है कि जो हमारा NCF है वो ट्रायंगुलर है। ट्रायंगुलर का मतलब क्या है? उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इक्विलिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी, कि सभी के लिए समान हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण हो और सभी के लिए हो। अब जैसे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि NCF इतना बड़ा प्रोग्राम है तो सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है, तो ये कितनी भाषाओं में आता है? तो NCF है ये 22 भाषाओं में लॉन्च किया गया है, कि इसका जो फॉर्मेट है इंट्रोडक्शन के लिए 22 भाषाएं इसमें शामिल की गई हैं। और जो NCF है वो 17 स्टेट्स में काम करता है, कि 17 राज्य हैं जहाँ पर NCM को फॉलो किया गया है, और इसके लिए 1,000,000 रुपये हर स्टेट को दिए जाते हैं कि एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट करने के लिए। NCF और EVS मतलब एनवायरमेंटल जो स्टडी है उसमें NCF की थीम क्या है? फूड, कि खाना सबसे पहली प्रायोरिटी है, कि एनवायरमेंट, अच्छा भोजन और उसके बाद रहने की व्यवस्था। NCF और मल्टी लैंग्वेज में रिसोर्सेज ऑफ द लर्निंग, कि सीखने के लिए जो भी साधन अवेलेबल हो सकते हैं उन सबसे सीखना चाहिए।
अब जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जो साइकोलॉजी बेस्ड हैं कि यदि बच्चे फेल हो जाते हैं तो किसकी असफलता है, बच्चे की, टीचर की, या एनवायरनमेंट की, या सिलेबस की। तो एनसीएफ ये मानता है अगर बच्चा किसी भी स्टैंडर्ड में फेल हो जाता है तो उसमें स्कूल फेल हुआ है, ना कि बच्चा, क्योंकि बच्चा अपने एफर्ट्स ज़रूर करता है तो कहीं ना कहीं हमारे प्रोसेस में कमी रह जाती है कि हमने बच्चे को सही से सिखाया नहीं। एनसीएफ और जागरूकता पर्यावरण, कि एनसीएफ क्या कहता है, पढ़ाई के साथ साथ हमें एनवायरनमेंट अगर हमारा अच्छा है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, तो बच्चा ज़्यादा आसानी से सीख सकता है। इसलिए बच्चे को एनवायरनमेंट के लिए जागरूक करना चाहिए। एनसीएफ के अनुसार आर्ट किस विषय स्तर पर होना चाहिए, कि यानी कि एनसीएफ जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है वो मानता है कि कला जो एक विषय है वो किस स्टैंडर्ड पर इंप्लीमेंट किया जाए, छोटे बच्चों के लिए, मिडिल क्लास के बच्चों के लिए, या बड़े बच्चों के लिए। तो एनसीएफ मानता है कि कला कला होती है और इसमें कोई भी इंटरेस्ट ले सकता है, तो इसको सभी स्टेटस जो स्टैंडर्ड है उन पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है, यानी कि छोटे बच्चों के लिए भी, मिडिल क्लास के बच्चों के लिए भी, और सेकेंडरी क्लास के लिए बच्चे के लिए भी। अब देखिए एनसीएफ बल देता है, यानी कि एनसीएफ का एम क्या है, पढ़ चुके हैं हम, लर्निंग विदाउट बर्डन, कि बिना बोझ के बच्चे आसानी से सीखें। इसका मतलब क्या है कि बच्चे को इतना ही सिखाया जाए जितना बच्चा एक बार में समझ सकता है। ऐसा नहीं कि 40 मिनट का पीरियड है तो पूरे के पूरे 40 मिनट हम उसको पढ़ाएंगे, चाहे उसको अंडरस्टूड हो रहा हो या नहीं। एनसीएफ एंड शिक्षा नियोजित होनी चाहिए किसके अनुसार, बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार। ओबियसली अगर चाइल्ड सेंटर्ड एनसीएफ है तो इंटरेस्ट भी किसके वैल्यूएबल होंगे, बच्चों के। एनसीएफ और प्राथमिक सतर भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए। ओबियसली हमने तीन भाषाएं पढ़ी थी, तो सबसे पहले आपकी मदर टंग, तो मातृभाषा है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीएफ बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, दैनिक, मीन्स देखिए आप एक पढ़ के आते हैं CCE, कंटिन्यू कंपेरिहेंसिव इवेल्युएशन, कि बच्चे का नियमित और सतत मूल्यांकन होना चाहिए। तो इसी तरीके से एनसीएफ भी कहता है कि बच्चे का रोज़ाना मूल्यांकन होना चाहिए, कि बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा और कैसे सीखा, और क्या ड्रॉबैक्स हैं रह गई जिनको दूर किया जा सकता है। और एनसीएफ ये सब सुविधाएँ देने के साथ साथ जो क्लासेज हैं उसके बारे में उसके क्या विचार है। तो एनसीएफ कहता है बच्चे भीड़ वाली कक्षाएं नहीं होनी चाहिए। भीड़ वाली कक्षाएं का क्या मतलब है, एक कक्षा है उसके अंदर 40 छात्र हैं तो एक टीचर सभी को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकता है। तो जो हमारी क्लासेज हैं उसमें जो स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं वो कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि एक टीचर उनको आसानी से सिखा पाए। इसलिए जो हमारा एनसीएफ है उसमें भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं नहीं होनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द एनसीएफ। एंड ये जो टॉपिक है आपका, ये सीटेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका PRT लेवल है या वो आपका TGT लेवल है, एक क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए निकल के आता है। अगर आपको अच्छा लगता है, आप रिस्पॉन्स करेंगे, तो आपके लिए और भी वीडियो साइको से रिलेटेड बनाए जाएंगे। थैंक यू।